इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महामना वाल्मीकि जी का ये उपाय भारत रत्न जिनको मिला है अभी, महामना कितना बड़ा मन, महामना महामना थोड़ा नहीं, जो संकल्प लेते थे उसको सिद्ध कर लेते थे। घर से जब भी आप निकलें तो भगवान का दर्शन करें। पूज्य माता जी पिताजी हैं तो उनका दर्शन करें, प्रणाम करें। घर से निकलें तो माता पिताजी न हो तो घर में बच्चों की माई हो तो उनका दर्शन करें। हाँ ये हल्के में न लीजिएगा, हम हंसने के लिए नहीं कह रहे हैं। हंसने के लिए तो हम कभी कभी कहते, हमारे घर से पिताजी माँ जी तो गांव में रहते, मेरे घर से निकलते समय बहू जी न सामने आओ तो हम निकलते ही नहीं। ये मनु जी महाराज की आज्ञा है कि घर से निकलो आप तो आपकी अर्धांगनी आपको वंदन करके विदा करे, झटके से कदापि न निकलो। माता पिता हो, बहन हो, बेटी हो, कोई न हो, बेटी हो, बेटी के हाथ से मीठा और जल लेकर पान करो, निकलो। आपका कोई काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, करके देखो। हम गृहस्थी है ना, तो जैसे आपके घर में कभी कभी गर्मी होती है तो कभी कभी जाड़े में मेरे घर में भी गर्मी होती है, और उसी गर्मी में कभी कभी मैं भी चला जाता था, बनता ही काम बिगड़ जाता था। अब फिर लौट करके हम कहते थे त्राहि माम कहो, फिर नहीं, एक बार अनुभव कर लिया तो दोबारा नहीं करना चाहिए, काम हो गया। क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं, गर्मी ठंडी तो होती रहती है, युद्ध तो बदलती रहती है, तो कहना पड़ता था कि हाँ क्यों नहीं होगा, वस्तुतः काम होता होता नहीं। फिर थोड़े दिन बाद कहना पड़ता है नहीं भैया नहीं, कोई बात नहीं, ठंडा। ये ऋषियों ने अनुभव करके लिखा है, बेटी हो उसका दर्शन करो। पंडित जी पाठ करने आवे उनको बोलो हम जब निकले महाराज तो हमको चरणामृत भगवान का प्रदान करिएगा, हमको यात्रा पर जाना है। शालक ग्राम भगवान का चरणामृत लेकर निकलो, आप चाहे जो हो जाए आप सुरक्षित रहेंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकं पीत्वा रामं भक्तिं प्रकल्पते। ऋषियों की अनुभूति का लेखन है, विज्ञान ये करता है, विज्ञान वो करता है, विज्ञान बच्चा है बेचारा, वो क्या करेगा। ये जो ऋषियों का अनुभूत विज्ञान है अद्भुत है। एक बाबा जिसके कमर के नीचे ही कपड़ा होता है, ऊपर नंगे रहता है बाबा, पूरी दुनिया को करवा दिया है। आप प्रातः काल 5 बजे जिस पार्क में टहलेंगे, जिसका शरीर फिट है वो भी, अनफिट है वो भी। पहले तो कथा में भी लोग रगड़ते मिलते थे, बाबा ने ऐसा पकड़ा दिया लोगों को हर जगह। ये क्या है, ये तो मेरे ऋषियों का विज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है। हजारों लोगों के ब्लॉकेज खोल दिया बाबा ने, किससे, ऋषियों की तपस्या से बने विज्ञान से। हो प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, क्या पहले नहीं था, क्या था, कोई कह के कराने वाला नहीं था, कह दिया करने लगे। क्यों, हम लोग तो सरल बहुत है ना, कोई कह देता हमारे हित की उसको हम करने लगते और उसका परिणाम आता है। ये है विशेष विज्ञान। महर्षियों ने हमारे क्या क्या नहीं सोचा,
मनुष्य जन्म कैसे श्रेष्ठ लेगा और उसके जीवन में श्रेष्ठत्व कैसे आवेगा, हमारे ऋषियों ने इस स्तर पर चिंतन किया। करना नहीं पड़ता। हमारे हरिद्वार के वैद्य जी ऐसे आपका नर्वस सिस्टम पकड़ेंगे तो बताएंगे तुम्हारे शरीर में क्या हलचल हो रही, इतना बोध है ऋषियों। सोचिए आप, बारात लग्न से पहले आ गई। क्यों? जब अति आप में से कई लोग 2 बजे ही आ जाते होंगे, कई लोग 3 बजे आ जाते होंगे, हमारे 2 बजे आ जाते हैं। हमारे लखनऊ में श्रोता 4 बजे कथा करने हम जाते हैं, वो 1 बजे ही आके बैठ जाते हैं टिफिन टुफिन लेकर, क्यों? भीड़ बहुत होती है, 20-25 हजार लोग होते हैं आगे। नहीं, यहाँ तो लगा है बैरियर, हमारी किसी कथा में बैरियर वैरियर नहीं होता है, सब ओपन हार्ट सर्जरी, ये सब भक्ति में जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा। अब ये तो कि संस्था है, संस्था की व्यवस्था है, वो मर्यादा है, उसका निर्वाह करना पड़ता है हमको, क्योंकि बहुत सारी विकटताएं होती हैं। कई लोग कथा सुनने नहीं आते हैं, वो अपने दुर्गा जी की सिद्धि करके आते हैं, आज यदि चैन मिली तो पूरी चैन चढ़ा दूंगा। इसलिए रोकना पड़ता है कि आगे कोई ऐसा ना आ जाए जो कटर बटर करने लगे। होता ही है, काम देनु है। यहाँ तो हर प्रकार के जीव धर दर्शन देते हैं भैया, क्या बताएं। पिछली बार गीता भवन में मेरी वो माँ की चैन काट ली, कुंदन बाबू के यहाँ माँ की चैन काट ली गीता भवन में, बताइए। चैन कट जाए बुढ़ापे में तो डर नहीं लगता है, लेकिन डर ये लगता है बहू को क्या बताएंगे। बहू ने मना किया था कथा में न जाइएगा अम्मी, लेकिन हम तो चुपचाप चली आई, अब क्या होगा। इसलिए जब मंदिर कथा में जाना होना तो हल्की वाली पहन के जाना चाहिए कि कट भी जाए तो रोना न पड़े। देखिए, किसी को रोका नहीं जा सकता है। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, संस्था कथा सुन रही है, कौन संभालेगा बताइए। कथा अपने व्यवहार शास्त्र का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पंचायती में जब जाना हो तो बहुत मर्यादित जाना चाहिए, सोचकर नहीं। अति उत्साह होता है तो घड़ी नहीं देखते, हम दौड़ पड़ते। महाराज को भी विवाह का इतना आनंद भया मन में, प्रथम बारात लगन थे, जनवासे में सुंदर स्वागत हुआ। दोनों पक्षों को देखकर और नगर के नर नारी कह रहे हैं, आ क्या पुण्य किया है दोनों महाराजाओं ने, जैसे राम लक्ष्मण वैसे इनके दो और भाई भरत शत्रुघ्न। अरे सखी, जैसे इनके 4 भाई हैं वैसे सियाजू की भी 3 बहनें और हैं। ये 4 भाई 4 बहनें, क्या दिव्य होता महाराज मिथिलापति चक्रवर्ती जी से प्रार्थना करते और चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में संपन्न हो जाता, कितना दिव्य होता। सबके मन की ये कामना है। धीरे धीरे वो समय आ गया, कब? दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, अगहन हूं। जाड़े की मीठी मीठी मिठास लिए ऋतु, हिम ऋतु, थोड़ी थोड़ी सर्दी, गोधूल वेला में बारात चलेगी द्वाराचार्य के लिए, इसका मुहूर्त निश्चित हो गया। पंचमी तिथि मंगलवार, बाबा ने घोषणा की, मंगल मूल लगन दीन आवा, मंगल मूल लगन दीन आवा, हिमरी तुवग विधि विचार।
शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार भगवान ब्रह्मा ने मुहूर्त विचारा, क्योंकि ब्रह्मा जी ही ज्योतिषी बनकर मुहूर्त विचारने आए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।